मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा। जो हंसते खेलते थे ना चेहरे हमारे, हम जो बातें कर रहे थे, जो बाहर निकल रहे थे, तो उनके फेस देखने लायक थे। सही। देखो सर एकदम हो जाता ना आदमी। राइट राइट। अनिल कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ। ठीक ठीक हो है भाई। सर? आफ्टर एन इंटरव्यू वी आर मीटिंग एंड वी एक्सपेक्ट कि आप पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे हमें, और आपका इंटरव्यू अच्छा गया होगा। अच्छा गया मेरा इंटरव्यू काफी। ओके। और सेकंड वन में ये है सर, मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वहाँ के जो इंटरव्यू के ड्यूरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मेरा ये इंटरेक्शन है कि वे सभी वहाँ पे बातचीत करते रहे, वे अकेला ना बैठे अपने। कई बार ये होता है कि बंदा मैं अकेला बैठ गया वहाँ पे, अपना एक दूसरे से बातचीत करते रहे सर, उससे आपका स्ट्रेस लेवल नहीं होगा सर। एक तो आप जैसे अब एकदम इंटरव्यू के लिए जाते हो तो फिर तो देखो एक सेपरेट बैठना होता है सर, तो सर आपको अलग से चेयर पे बैठा देते हैं, वो तो देखो 10-15 मिनट का होता है सर टाइम, लेकिन उससे पहले जितना भी टाइम है सर, 2 घंटे 1 घंटा जो आप बैठे हो, तो आपके साथ जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है या जो भी अपना, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए सर। मेरा तो ये है तो एक्सपीरियंस सर। और सर एक वहाँ पे सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस जरूरी है सर। जैसे एंटर करते हैं रूम में तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते ही क्वेश्चनिंग करते हैं भाई, सीटिंग से भी पहले क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। जी तो मेरे से डेमो लिया था सर। कौन सा टॉपिक था सर आपका? आपने अपनी चॉइस से दिया था या उन्होंने टॉपिक दिया था? उन्होंने मेरे से पूछा था आप क्या करते हो। मैं एचसीएनएन में टीचर हूँ मैम, मैं अभी तो मतलब आपको डेमो मैम, फिर उन्होंने मतलब आप किसी टॉपिक पे दे दो, तो मैंने सर इस पे दे दिया था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने फिर मेरे से, मैं जैसे एमएसएमई बोला तो एमएसएमई में क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीपली चले गए थे, फिर मैंने आपकी वो बात याद आ गई, मैंने सॉरी फील कर लिया। ज्यादा डीप नॉलेज में तो सर फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग में जाते हैं, तो मैंने जैसे जो सॉरी फील किया तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया सर मेरे को। तो मेरा ये एक पर्सनल ये भी है, बाकी सभी का अपना अपना विचार है मैम, कि आप ज्यादा से ज्यादा डीपली ना जाए, टू द पॉइंट ही रखें अपना कोई भी पॉइंट। अब ज्यादा उसको आप डिटेलिंग में लग जाते हैं, उसी में से क्वेश्चनिंग शूट करने लग जाते हैं सर। वो सर पूछ डेवलपमेंट क्या क्या क्वेश्चन थे डेवलपमेंट सर ऑफ क्या आपके? होता है मैम? यस मैम, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे आपसे जो भी आपको याद हो? तो मेरे से ये पूछा था, मैंने जैसे वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एमएसएमई का एक पॉइंट लिया, तो बोले एमएसएमई क्या होती है, एमएसएमई कौन रजिस्टर्ड कराता है, गवर्नमेंट क्या इनको क्यों प्रमोट कर रही है। तो मैम ये मैंने सब बातों का जवाब दिया मैम, ये अपना जो इंडस्ट्री छोटा लेवल की इंडस्ट्री को उठाने के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा देश का विकास हो, मैंने सब चीजें बोली। फिर ये बोले डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, फिर मैंने डेवलपमेंट बैंक बता दिया मैम, सिडबी हो गए मैम, अपनी नाबार्ड बैंक हो गया मैम, आईडीबीआई बैंक हो गए। तो फिर ये मैंने ये बोला, फिर ये बोलने लगे क्या ये डायरेक्ट लोन देते हैं या कोई और देता है। फिर मैंने बोला मैम ये तो डायरेक्ट लोन नहीं देते, तो कॉमर्शियल बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, फंडिंग करते हैं मैम, इनकी तो तरफ से फाइनेंशियल गाइडेंस होती है ये फंड करना है। तो मतलब ज्यादा डीपली जाते गए। फिर मैं फिर बीच में मेरे ध्यान में एक क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन थे? बस मेरे से वो ट्रायल बैलेंस पूछा था, वो कौन से एरर होते हैं जो नहीं पता लगता ट्रायल बैलेंस, वो अपना ओमिशन कमीशन वाले। फिर यस मेरे से पूछा था एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर बोले एचआरए क्या होता है, मैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो फिर ये बोले दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैंने ये भी बताया उनको। फिर ये बोले इनकी क्या मेथड है, तो मैंने बता दिया था मैम वो हिस्टोरिकल मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, कॉस्ट अकाउंटिंग का वो। फिर मैंने बोला था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंटिंग, मैंने सब बता दिया था उनको। तो बस मेरे से 5 मिनट तो मेरा वो डेमो लिया था उन्होंने, और फिर मेरे से 10-12 क्वेश्चन मेरे से पूछे थे जनरली। डेमो हाउ मेनी में बहुत मेंबर्स वर क्वेश्चन देयर? उन्होंने मेरे, मेंबर्स कितने थे? चार थे सर, चारों मैडम लेडीज थे, चारों अच्छा, मैडम थे, अच्छे थे, लेडीज नेचर थी। में बढ़िया थे, चारों हाँ जने नेचर क्वेश्चन वाइज पूछ मतलब रहे थे। काफी, पता है सर जैसे रूम में एंट्री करते हैं ना थोड़ी हेजिटेशन सी हो जाती है, मैं वो कह रहा हूँ आप ना, मेरी प्रैक्टिकल ये है कि आप घर के फैमिली को सर की बात को, मैं आपको अब रियलाइज हुआ, आप किसी भी फैमिली के किसी भी बंदे को आप फ्रंट दो आपका इंटरव्यू, आप एज ए लाइक उनको ये लगाओ कि भाई आपके इंटरव्यूअर है, आप फिजिकली प्रेजेंस में दें। ये तो अच्छी बात है कि सर आप यहाँ कनेक्ट कर रहे हो हमें, लेकिन एक ऑनलाइन और एक फेस टू फेस में बहुत सर थोड़ा फर्क बहुत तो फर्क है सर।
राइट राइट तो मैं ये कहूंगा अभी जिनका नहीं इंटरव्यू है मेरी तरफ से पर्सनल दिया ये कि आप फेस टू फेस फैमिली के कोई फ्रेंड को या आपके कोई भी सीनियर टीचर के पास जाएं और एक बार आप अपना डेमो दे उनको फेस टू फेस दे एज लाइक आप जैसे वहां पे बैठे हो कमेटी नंबर 2 में बैठे हो। मैं 2 में था सर मैं इसलिए बोल रहा कैसा रहा हूँ। एक्सपीरियंस आपका पीडी क्लासेस के साथ? सर बहुत अच्छा रहा सर आपके जो भी वो ब्रह्म स्तर था देखो तो एकदम ना माइंड ब्लैंक हो गया उस टाइम ब्लैक होता है होने ना, से राइट पता नहीं लगता। तो फिर उस टाइम वो फिर मैं आपने बोला था स्टार्टिंग में मेरे को ने क्वेश्चन किया मैं थोड़ा हाफ चुप हो गया तो राइट फिर मैंने आपके एकदम याद आई तो फिर कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करो फिर मैंने वो स्टार्ट किया धीरे धीरे तो फिर एकदम फॉलो हो गया सर। स्टार्टिंग में तो एकदम हो गया था सर मैं मेरी सीटिंग से पहले उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पुट कर दिया एचआरएम क्या होता है मैं बैठा भी नहीं सर बैठने राइट से पहले आधी सीट पे था उन्होंने मेरे से आप फ्रंट से क्वेश्चन आया एचआरएम क्या होता है एचआरए क्या होता है मतलब वो टाइम नहीं दे रहे सर ज्यादा फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर भी मैंने सर आपका जो प्रोटोकॉल था मैं बॉडी लैंग्वेज मैंने पूरा मेंटेन किया स्टार्टिंग में एंट्री की तो प्लीज मे आई कम इन मैम एंटर किया फिर मैंने वहां पे जाके थैंक यू फील किया गुड मॉर्निंग बोला गुड आफ्टरनून हो गया था सर मेरा 12:30 के करीब था इंटरव्यू तो राइट मैंने उनको गुड आफ्टरनून बोला फिर मैंने चेयर का मैं जो मैं बॉडी लैंग्वेज सिस्टम समझा था वो ऑब्जर्व किया उन्होंने लेकिन सर एक दो क्वेश्चन थे तो क्या ऐसा पूछते वो नहीं आता तो ओके मेरे से ये पूछा था पब्लिक कंपनी में और गवर्नमेंट कंपनी में क्या फर्क है तो मैंने बोला मैं प्राइवेट इसमें तो प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट होता है मैम उसमें जिसमें 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के होते हैं वो गवर्नमेंट कंपनी होती है फिर वो बोले स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है तो मैम स्पेशल को पार्लियामेंट में एक्ट पास करके जो कंपनी बनाई जाती है वो ये जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे मेरे से ज्यादा वो नहीं पूछे बस ज्यादा ये है हार्ड सर वाले सबसे टॉपिक नहीं है सर आपसे है मैं ना। मेरी पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ एकदम थोड़ा आप अभी भी आपके पास एक दिन है या 2 दिन है आप फेस टू फेस इंटरव्यू दो किसी को भी दो आपके फैमिली को आपके टीचर को मेरी पर्सनल राय है राइट आप एक रूम में 3 4 दोस्त को बैठाओ आपके फैमिली को जो भी आपके पास एडजस्टमेंट हो सकती हो ना तो मेरी पर्सनल राय है कि आप अपफ्रंट दो फेस टू फेस को इंटरव्यू फेस जरूर करो एक डेमो दो आप किसी से भी तो फेस टू फेस बैठता तो फर्क मैंने मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा जो हंसते खेलते थे ना चेहरे हमारे हम जो बातें कर रहे थे जो बाहर निकल रहे थे तो उनके फेस देखने लायक थे। सही देखो सर एकदम हो जाता ना आदमी राइट राइट हो जाता नर्वस हो जाता सर वो नर्वस है तो थोड़ा बहुत मेरे को भी फील हुआ सर एकदम क्यों एकदम 3 4 मैडम है ना वो 3 4ों ने एकदम क्वेश्चन सारे डाल दिए तो वैसे आदमी हो जाता है सर। एक बैठने से पहले बता दिया मैंने आपको एचआरएम क्या होता है एचआरए क्या होता है ये है वो है सर उनको भी टाइम फाउंडेशन है ज्यादा नहीं है 10 से 12 मीटिंग लेते हैं पर कैंडिडेट उनका शेड्यूल है तो उसके हिसाब से ये भी सही है वैसे अगर जल्दी जल्दी पूछते हैं तो कोई नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन हमें मिल जाता है आंसर करने के लिए राइट जितना आप थोड़ा जवाब थोड़ा दोगे आता है तो थोड़ा मतलब थोड़ा बताता रहे हाँ मैम अगर आप जवाब देते रहो दोगे तो उसमें से डीपली जाते रहेंगे वो ये बात एक्चुअल में है आप जितना आंसर देते रहोगे उसको उसका लेवल बढ़ाते जा रहे हो। सर। एक्चुअल बात है बेसिकली एक्चुअल वो तो सिलेबस में तो से ही रहे हैं बीकॉम ना राइट बीकॉम एमकॉम फॉलो ले जाते हैं। बहुत अच्छा लगा अनिल वाकई में मजा आया अच्छे से बताया तुमने और तुम्हारा अच्छा हुआ मन खुश हुआ और बस आपने आपके बिल्कुल सर आपकी दुआओं से और हमारे थोड़े एफर्ट से होप सो हमारा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा सभी का मेरी बेस्ट विशेज है जिनका भी इंटरव्यू है बस थोड़ा कॉन्फिडेंट रहे मेरा पर्सनली आपको ये गुरु मंत्र है सर की तरफ से और मेरी तरफ से कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहे। यस